देशे कोरोना विषाणु संक्रमितानां संख्यास्ति वर्धिता संप्रति 50 प्रकरणानि दृष्टिगतानि परं नास्ति एकापि मृत्युघटना केन्द्रेण विदेशयात्रां न कर्तुं यात्रिणः परामृष्टाः विदेशयात्रायाः प्रत्यागतायाः स्वयं 14-दिनात्मके परिशीलनपरिवेशे स्थातुं गृहतः कार्यालये कार्याणि कर्तुं च सन्ति परामृष्टाः इटली देशे कोरोना विषाणु संक्रमितां मृत्युः सर्वाधिका एकस्मिन् दिवसे 30+600 जनाः मृताः अर्थव्यवस्थानन्तरं क्रीडाक्षेत्रमपि अस्ति प्रभावितं पादकन्दुकक्रीडासु स्पेन जर्मनी इत्यत्र रिक्तदर्शकानि आसन् क्रीडाक्षेत्राणि लोकसभायां देहली हिंसा प्रकरणे चर्चा अद्य प्रश्नकालानन्तरं भविष्यति चर्चा मध्यप्रदेशे कांग्रेसदलप्रशासनम् अस्ति सङ्कटापन्नम् ज्योतिरादित्य सिंधियायाः त्यागपत्रानन्तरं 22 विधायकाः राज्यपालाय त्यागपत्रम् अयच्छन् बसपा सपा दलयोः विधायकाः भाजपा नेत्रा शिवराजसिंहेन सह मिलितवन्तः अमेरिकायां गणतांत्रिक राष्ट्रपतिनं डोनाल्ड ट्रंप विरुद्धं प्रत्याशी निर्णयाय षट् डेमोक्रेटिक प्राइमरीज इत्येतेषु कृतं मतदानं नवंबर मासे भविष्यति निर्वाचनम् अभिवादये अहमस्मि मुकुलः द्विवेदी अत्र भवतां भवतीनां च स्वागतं डीडी न्यूज वार्ता प्रसारणे अस्मिन् अथ वार्ताः विस्तरेण देशे कोरोना विषाणु पीडितानां संख्या संवर्ध्य 50 संजाता केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धनः प्रभावित राज्यानां स्वास्थ्य मंत्रिभिः सह दूरवाण्या वार्ताम् अकरोत् वार्ता समये असौ सज्जता विषये पृच्छाम् अकरोत् तथा च तेन राज्यानि सतर्कताभियानार्थं संसूचितानि स्वास्थ्य मंत्रिणोक्तं यत् परिस्थितिभिः नियन्त्रणे अस्ति सर्वसज्जताश्च सम्पन्नाः हेल्थ मिनिस्टर्स को कहा है कि अपने अपने स्टेट्स में जब तक दुनिया में बीमारी है तब तक पूरी पैनी निगाह रखें हम कोई भी बात को चांस पर नहीं छोड़ना है ज़रा भी ढील नहीं देनी है जितने भी संभावित कॉन्टैक्ट्स हैं उनकी पूरी तरह से ट्रेसिंग करनी है लोगों को जितनी जानकारी ज़रूरी है वो सब प्रकार के जो साधन हैं उनका इस्तेमाल करके हमने बराबर पहुँचानी है ताकि लोग अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए पूरी तरह से एजुकेट हो जाएं सक्षम हो जाएं और साथ में इस बात को भी स्ट्रेस दे के कहा है कि जो बड़ी बड़ी या छोटी गैदरिंग्स हैं पब्लिक गैदरिंग्स हैं जहां की अगर अवॉइड हो सकता है तो वो गैदरिंग्स भी अवॉइड होनी चाहिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रिणा कोरोना विषाणु संक्रमित ही सह दृश्य श्रव्य माध्यमेन वार्ता कृता तेषां कुशलक्षेमं पृच्छन् शीघ्रं स्वास्थ्य लाभाय अपि कामनाम् अकरोत् तो हमारे मरीज यहाँ दिल्ली में मेदांता हॉस्पिटल में एडमिट हैं खासकर इटालियंस हैं वो सब और जो मरीज़ सफदरजंग अस्पताल में एडमिट हैं इन मरीज़ों से भी और इनके ट्रीटिंग डॉक्टर्स से भी इनमें से कई सारे मरीज़ों से मैंने वीडियो कॉल पर बात किया है ताकि फेस टू फेस भी उनके साथ हम उनके जो स्वास्थ्य की जानकारी प्राप्त कर सकें केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालयस्य प्रवक्त्रा संजीव कुमारेण कथितं यत् कोरोना विषाणोः संक्रमितानां नूतनानि 60 प्रकरणानि समक्षम् आगतानि कोरोना वायरस के केसेस का सवाल है भारत में अब तक 50 कन्फर्म्ड मामले आए हैं कल घोषित 44 पॉजिटिव मामलों के बाद बेंगलुरु से 3 पॉजिटिव मामलों की रिपोर्ट मिली है जो दुबई होते हुए अमेरिका से आने वाले पति पत्नी और उनका बच्चा है पुणे से 2 पॉजिटिव मामले मिले हैं ये लोग भी दुबई से वापस लौट कर आए थे पति और पत्नी और एक पॉजिटिव मामला फिर बेंगलुरु से मिला है जो हीथ्रो होते हुए अमेरिका से आए थे इस तरह अब कुल सक्रिय मामले 50 हो गए हैं इन मामलों में 34 भारतीय नागरिक और 16 इटली के नागरिक हैं मीडिया में मुर्शिदाबाद
और लद्दाख से जिन दो व्यक्तियों के मरने की सूचना मिली थी, इन दोनों व्यक्तियों के कोविड 19 के लिए जो टेस्ट रिपोर्ट मिले हैं वो निगेटिव हैं। इसका अर्थ ये है कि अब तक देश में कोविड 19 से कोई भी मृत्यु नहीं हुई है। तत्रैव ईराने कोरोना विषाणु वर्धनेन भारतीयान् ततः शीघ्रम् आनेतुं प्रयासाः वर्धिताः। भारतीय वायुसेनायाः एकं सैन्य परिवहन वायुयानं कोरोना विषाणु संक्रमितान् 58 भारतीयान् स्वीकृत्य विगत मंगलवासरे गाजियाबादस्थे हिंडन विमानपत्तने आगतं, ततः समेति चिकित्सा केन्द्रं नीताः। 14 दिनानि यावत् एते निरीक्षण केन्द्रे भविष्यन्ति। विगत दिवसेषु देहल्यां जात हिंसा प्रकरणे अद्य लोकसभायां चर्चा भविष्यति। विगत सप्ताहे विपक्षेण अस्योपरि चर्चायै कोलाहल कृतः आसीत्। प्रशासनेन पूर्वमेव कथितम् आसीत् होली परमानन्तरं विषयोस्मिन् चर्चा भविष्यति, परं विपक्षेण तु कोलाहल नैव अवरोधितः आसीत्। नवदेहल्यां भाजपादलस्य केन्द्रीय चुनाव समितेः एकं उपवेशनं जातम्। उपवेशने राज्यसभायाः द्विवार्षिक निर्वाचनेभ्यः प्रत्याशिनां नामानि अपि चर्चितानि। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, भाजपाध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, गृहमंत्री अमित शाह प्रभृतयः नैके नेतारः उपवेशनेस्मिन् भागं गृहीतवन्तः। 17 राज्येभ्यः राज्यसभायाः 55 आसनेभ्यः मार्च मासस्य 26 तिथौ निर्वाचनं भविष्यति। मतदानस्य एकहोरानन्तरं मतगणना विधास्यते। महाराष्ट्रे सर्वाधिक 7 निर्वाचनं भविष्यति। तमिलनाडु राज्ये 6, बिहार पश्चिम बंगालयोः प्रतिराज्यं 5, ओडिशा गुजरात आंध्र प्रदेश राज्येषु प्रतिराज्यं 4, असम राजस्थान मध्य प्रदेशेषु प्रतिराज्यं आसनत्रयाय, तेलंगाना हरियाणा छत्तीसगढ़ राज्येषु आसनद्वयाय राज्यसभायाः निर्वाचनं विधास्यते। हिमाचल प्रदेश मणिपुर मेघालय राज्येषु प्रतिराज्यं एकासनाय प्रत्याशिनां चयनं भविष्यति। मध्यप्रदेशे प्रवर्तमाने राजनैतिक संकटापन्ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस दलस्य प्राथमिक सदस्यतायाः त्यागपत्रं अददात्। कांग्रेस दलस्य अध्यक्षां सोनिया गांधीनं प्रेषितं स्वत्यागपत्रे ज्योतिरादित्येन लिखितं यत् सः विगत 18 कांग्रेस दलस्य सदस्यः आसीत्, परं सः स्वराज्यस्य जनतायाः सेवां कर्तुं असमर्थः आसीत्, अतएव सः इदानीं कांग्रेस दलाय त्यागपत्रं प्रददाति। अत्रांतरे कांग्रेस दलेनोक्तं यत् दलविरोधि गतिविधि कारणात् ज्योतिरादित्य सिंधिया दलात् बहिकृतः। इतः पूर्वं ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रधानमन्त्रिणं नरेन्द्र मोदिनं गृहमन्त्रिणं अमित शाहं च अमिलत्। ज्योतिरादित्य सिंधियायाः त्यागपत्रानन्तरं कांग्रेस दलस्य अन्य 22 विधायका अपि स्वत्यागपत्रं दत्तवन्तः। वार्ता संस्करणम् एतत् सम्पद्यते अधुना। अभिनव वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। भूयात् तावत् शुभं मङ्गलम्।